हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर। और हम क्या डिस्कस करेंगे आज, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स एंड बोर्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एनसीईआरटी और बोर्ड के जो भी न्यूमेरिकल्स हो आज हम आपके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाई 2.5 mm। द कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई ए कनेक्टिंग टू इट्स 400 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। बी पार्ट में पूछा, विल द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब एनर्जी स्टोर्ड निकालना है आपको। ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब आपको एनर्जी डेंसिटी भी निकालनी है। ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी निकालिए। फिर क्या पूछ रहा है, रिलेशन निकालिए एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा एनर्जी स्टोर्ड, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है, फिर पूछ रहा है आपसे कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी। फिर पूछ रहा है आपसे एनर्जी डेंसिटी, यू मतलब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब एनर्जी डेंसिटी। और आपके पास मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास क्या रिलेशन होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हटा दो एक बार क्वेश्चन में, ये लिख लिया सबने, क्वेश्चन नोट कर लिया, देखो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है आपकी ये। देखिए मैं क्वेश्चन में पहले डाटा लिख लेती हूँ, क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको एरिया, ए ए एरिया कितना दे रखा है आपको, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर बना लो। डिस्टेंस डी 2.5 mm। ठीक है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर बनाओगे तो कितने बन जाएंगे, 90 × 10⁻⁴। अरे 100 से डिवाइड कर दोगे, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर है तो 2.5 × 10⁻³ मीटर। और कह रहे कैपेसिटर चार्ज बाय द पोटेंशियल वी, वी कितनी दे रहा है, 400 वोल्ट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻½ कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास V तो पता है लेकिन C नहीं पता, तो C का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की बोलिए पुट करिए वैल्यू, 8.85 × 10⁻½, एरिया कितना दे रखा है, 90 × 10⁻⁴। ठीक है, और डी डिस्टेंस दे रखी है आपको 2.5 × 10⁻³। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, बैलेंस कर लो पहले पावर को, सोल्व करने के लिए पहले 10 की पावर को बैलेंस कर लिया करो। यहां से पॉइंट हटाऊंगी तो 100 आएगा नीचे, यहां से पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, अब ए ऐसे बैलेंस 5 से काट लो, इससे कट रहा है ये, 5 × 5 = 25, 5 पे ये 5 × 5 = 3, 7 × 3 = 7, 7 पे कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो 7 पे कट जाएगा आपके पास ये, या 177 × 90 ×, ये देखो 10⁻²⁴, ये 10⁻+1, ये 10 10 है ना, तो 90 को मैं 10 ही कर देती हूँ, 10⁻+2 कर देती हूँ। अरे एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, 10⁻+2, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−2। अरे 100 को 10⁻² लिख सकते हो, या पहले इस 100 को काट दो, ये 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गई, मैं हटा देती हूँ और इसको। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, 10⁻⁴, ये −2 −4 −6 बचा, ये ऊपर जाएगा +3। ठीक है, पावर बैलेंस होगी, नीचे ये 5 बचा हुआ है आपके पास, आप कुछ करता है तो काट लो, तो C किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से ये 1779 / 5 × 10⁻³। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो 177 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 = 63, 6 9 = 63 और 6 = 69, 69 और 6 =
नाइन वन तो ये अपना 15, पांच ही डिवाइड करो इसको, पांच से भाग देंगे, 5 3 15 9, 5 1 4 4, ये 3 5 8 जा, ठीक है, फिर ये पॉइंट लगाए तो 6 पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 8.6 10^-3, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये कुछ इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, ये C की वैल्यू आएगी आपकी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 31.86। इसमें देखो कुछ कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी आपके पास, एक बार ये चेक कर लो, ये 10^-12 है बेटा, ये 10^-12 है, ये 2 नहीं है, ये तो ये बनेगा आपका -12 -16, पावर कहीं गड़बड़ हो रही, बाकी सही है, ये माइनस का 12 और ये माइनस का 4, ये बन गया माइनस का 16 और ये प्लस का 3, तो ये बचेगा 10^-13। तो एक पावर और इधर बचा, बढ़ा दो, 31.86 10^-12, तो ये बनेगा 31.86 पिको फेराड। तो ये आगे आगे क्विक कैपेसिटेंस, क्या आगे आप लोगों की ये कैपेसिटेंस, अब आप लोगों निकाला एनर्जी स्टोर, क्या बनेगा 1/2 CV का स्केयर, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला 1/2 C, कितना आया 31.86, पिको का मतलब 10^-12, V कितना है 400 का स्केयर, ठीक है, 400 का क्या हो जाएगा स्केयर। इसको भी क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.25 10^-6 जूल, तो ये क्या आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। फिर उसने पूछा एनर्जी डेंसिटी, क्या पूछा उसने एनर्जी डेंसिटी, तो इसको निकालिए, एनर्जी सोल्व कर लिया था ना सबने, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी क्या है यू, यू बाई वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू डिस्टेंस, तो क्या 2.25 10^-6 इनटू एरिया, एरिया क्या बनेगा आपके पास 90 10^-4 इनटू डी डिस्टेंस 2.5 10^-3, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 0.113 आ जाएगी वैल्यू जूल पर मीटर क्यूब, कितनी आ जाएगी 0.113 जूल पर मीटर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट में पूछा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना नोट करिए जल्दी से, लास्ट पार्ट में पूछा रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो वो रिलेशन मैंने पहले भी ड्राइव करवाया जहां पे एनर्जी समझाई आपको, पर भी एक बार फिर यहां भी बता देती हूँ, हटा दो एक बार इस क्वेश्चन को, लिख लिया सभी ने, तो देखिए रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन, सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देखिए, तो आपके पास क्या था फॉर्मूला, देखो आपको पास क्या पता कैपेसिटेंस क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 CV का स्केयर, ठीक है। तो U, C की वैल्यू क्या होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो मैं पुट करती हूँ यहाँ पे, तो क्या बनाइए 1/2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू वी, देखो E क्या होता है v बाई डी, तो V को क्या लिख सकती हूँ मैं, E इंटू डी लिख सकती हूँ ना, तो क्या बन जाएगा E इंटू डी का स्केयर, तो क्या बनाइए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ई स्केयर इंटू डी स्केयर, एक डी से एक डी कैंसिल, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए
इंटू डी ई स्केयर इंटू डी, तो ये बना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर ए इंटू डी। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम। इसको नीचे लिया इधर, तो यू बाई ए डी क्या बनेगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्केयर। इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये रिलेशन निकालते तो पैरल प्लेट कैपेसिटर के लिए, लेकिन एवरी टाइम ये वैलिड है, हर जगह ये रिलेशन क्या रहता है आपका? वैलिड रहता है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इसको स्मॉल यू से लिख देती हूँ। स्मॉल यू क्या है? यू बाई ए डी, जो कि आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्केयर। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्केयर। दिस रिलेशन वैलिड ऑलवेज, दिस रिलेशन वैलिड ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, दिस रिलेशन वैलिड ऑलवेज। ठीक है बेटा, समझ आया? तो यही पूछा था सी पार्ट में, एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 से इसके लिए रिलेशन निकाला तो पैरल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट यूज करके, लेकिन ये रिलेशन हमेशा वैलिड होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात कर लीजिए, आपके पास एक कॉपर है, चाहे उसके प्लेट हो चाहे स्फेरिकल हो, ठीक है, लेकिन रहेगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी तो वही रहेगी ना। तो डेंसिटी एक तरीके से प्रॉपर्टी को बता रही है उस मटेरियल की, इसलिए हर तरीके शेप में क्या है, ये वैलिड है। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी की वैल्यू एप्सिलॉन ए बाई डी, वी क्या होता है ये इंटू डी, तो यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर दी और सी की, तो ये आ गया कुछ करता तो काट दिया। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्केयर। तो कई बार क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला जब पूछता है ना तो ये दे देता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर, पता है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो इसको सोल्व नहीं करना, सिर्फ ये याद रखो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ML2T-2, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, तो ये कैंसिल, तो ML-1T-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा? ML-1T-2। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपका। हटा दो ये क्वेश्चन, नोट कर लिया क्वेश्चन सभी ने? क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के बीच में क्या निकाले? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सारी कैपेसिटेंस मान लिया सी सी दे रखी है, सी सी मिर्ची लगी है। देखिए बेटा, तो क्या कैसे निकालेंगे? वैसे तो देखिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा सीरीज पैरेलल, फंस जाओगे बहुत बुरे तरीके से, सोल्व ही नहीं कर पाओगे वैसे बैठ के। क्या करोगे? मान लिया इन दोनों के बीच में कोई बैटरी लगा दी, ठीक है, मान लिया। तो ये किस पे? नेगेटिव पोटेंशियल पे बी पॉइंट और ए हाइट पे, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पोटेंशियल आपका? जीरो। मैंने कहा था जहां नेगेटिव एंड हो वहां क्या मान लोगे? जीरो पोटेंशियल। तो सब जगह क्या रहेगा? जी। यहाँ पे क्या रहेगा आपका? वी रहेगा। यहाँ पे क्या मान लो आप लोग? एक्स पोटेंशियल। यहाँ क्या मान लोगे? वाई। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? वाई। ठीक है, तो और तो कोई पॉइंट बचा नहीं नोड, जहां पे आप देखेगी जहां पे पोटेंशियल मार्क ना हो, पोटेंशियल को नोड पे ही मार्क करते हैं आप लोग। ठीक है, आप कर दो सोल्व, आप कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब देखो आपके पास कितने पोटेंशियल है? चार। एक पोटेंशियल आपके पास V, देखो यहां पे बना दो, एक पोटेंशियल है V, एक पोटेंशियल है X, एक पोटेंशियल है आपका Y और एक पोटेंशियल है आपका जीरो। तो ये पॉइंट A था और ये पॉइंट आपका B है। ठीक है, अब देखो V और Y के बीच में एक कैपेसिटर है, देखो ये रहा V और ये रहा Y, V और Y के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, लगा दिया। अब क्या कह रहा है आपके पास कि V और X, ये रहा V और X, V और X के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, लगा दिया। अब क्या कह रहा है V और जीरो, ये रहा V और ये रहा जीरो, भाई यहां से भी
इसको दो बाद में लगाते हैं, एक मिनट रुको। एक्स और जीरो, ये एक्स और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर है, देखो एक्स और जीरो। एक वाई और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर है, ये रहा वाई और जीरो, ठीक है। अब वी और एक्स के बीच में भी एक कैपेसिटर है, वी और एक्स का हो गया, वी और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर है आपका, कोई कैपेसिटर बस तो नहीं है, कितने कैपेसिटर टोटल, 3 2 5 6, ठीक है, दो दो चार ही लगाए अभी तो हमने भाई, और कैपेसिटर कौन सा बच गया। हाँ देखो, एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर है ना, एक्स और वाई के बीच में भी एक कैपेसिटर है आपका, ठीक है। अब एक कैपेसिटर क्या है, वी और जीरो के बीच में भाई है तो लगाएंगे इसको भी, ये वायर ऊपर से जा रही है इसके, और ये लगा दिया, ठीक है। ये रहा देखो वी और जीरो के बीच में, ये रहा वी और ये रहा जीरो, देखो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ उनको फिर से देखो, यहाँ पोटेंशियल मार्क वी कर दो, यहाँ पे पोटेंशियल का मार्क क्या कर दो, वी कर दो, कर देंगे। यहाँ पोटेंशियल क्या है, यहाँ मान लिया मैंने कोई बैटरी लगा दी, तो यहाँ पोटेंशियल वी है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही तो रहेगा, वी तो रहेगा, तो यहाँ क्या मान लो जीरो, यहाँ भी जीरो, सारे एक ही वायर से कनेक्टेड है। या सपोज आपका एक्स है, तो यहाँ क्या मान लिया अपने वाई, ठीक है। अब देखो वी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो ये रहा, फिर आपके पास वी और वाई के बीच में, तो ये रहा वी और ये रहा वाई, ठीक है। फिर आपके पास एक्स और जीरो के बीच में, तो एक्स और जीरो, ये रहा एक्स ये रहा जीरो, ठीक है। फिर वाई और जीरो, तो फिर और वाई और जीरो के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है। फिर है वी और जीरो, देखो ये रहा, ये वी और जीरो के बीच में भी कैपेसिटर कनेक्टेड है तो है भाई, ठीक है। तो ये सारे सी सी है, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज समझा चुकी हूँ, तो इस वाले कैपेसिटर में से कोई करंट है नहीं जाएगा। समझाया था कि ये आपके पास चार कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो जब C1, C2, C3, C4, जब C1 बाई C3 बराबर होगा C2 बाई C4 के, तो ये जो कैपेसिटर लगता है इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, उस सिचुएशन में इस कैपेसिटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट या कोई चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसलिए मैंने इसमें पहले ही क्रॉस लगा दिया, क्योंकि सी सी है, सी सी है, तो रेशियो तो बराबर है ना, जब रेशियो बराबर है तो इसमें से इस वाले कैपेसिटर में से कोई चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सी, फ्रॉम दिस कैपेसिटर नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी करंट पास है नहीं होगा, तो क्या बचेगा, देखो अब यहां से सर्किट कुछ ऐसा बच जाएगा आपके पास, इसको हटा दूं मैं, यहीं पे लिख लिया तुम, बना लिया तुमने, तो मैं इसको हटा रही हूं यहां से, तो यहां से ये हटा दिया। तो देखो अब ये दोनों किसमें बने, सीरीज में, ठीक है, ये दोनों भी किसमें बने आपके, सीरीज में, ठीक है। तो ये किस सीरीज में बने, तो क्या बन जाएगा, सी बाई टू हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, सी बाई टू। अरे सीरीज में करोगे तो सी क्रॉस सी, सी प्लस सी कितना बना, सी बाई टू, तो ये भी कितना बचा, सी बाई टू, ये भी कितना बचा, सी बाई टू। तो क्या बन जाएगा सर्किट, यहां से आपके पास ये एक कैपेसिटर बीच में से जो जा रहा है वो जा ही रहा है, ये बना आपका सी बाई टू, ये भी सी बाई टू, ये आपका सी, ये ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, तब ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, तो क्या बन जाएगा, सी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू, क्या बना, सी प्लस सी कितना हो जाएगा, टू सी। तो आंसर क्या आ जाएगा इस सर्किट कनेक्शन का आपका, टू सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, समझ आ गया। तो जब ऐसा कुछ सर्किट देखे तो पोटेंशियल डिफाइन कर लो कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। अभी बीच वाला मैंने हटा दिया था, तुम अपना अलग से डायग्राम बना लेना, ठीक है, अभी इसी में मारो मेरी तरह, ठीक है। इसमें से करंट नहीं जाएगा मैंने कहा, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को, इसलिए मैंने हटा, तुम अपना अलग से बना लेना, ठीक है। तब आपके पास ये सी बाई टू, ये भी सी बाई टू, सी सी सीरीज में है ये, तो सीरीज में क्या बनेगा, ये सी क्रॉस सी, सी प्लस सी, तो कितना बच जाएगा, ये सी बाई टू, तो ये भी क्या बचेगा, सी बाई टू। अभी तीनों किसमें आ गए, पैरेलल में, तो सोल्व करके ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करो बेटा क्वेश्चन को, कर लिया नोट।
कर लिया नोट, जल्दी नोट करिए क्वेश्चन को। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर, ध्यान से सुनना ध्यान से, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड। एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है जिसके कितने कैपेसिटेंस की रिक्वायर है, 2 माइक्रोफेराड, ठीक है भैया। इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक ऐसा सर्किट जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 किलो वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका, 1 किलो वोल्ट। इज लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ कैपेसिटेंस ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन 400 वोल्ट, ठीक है। सजेस्ट द पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। मैडम क्वेश्चन ही समझ नहीं है, आएगा भैया मैं हूं ना, आएगा। देखो क्या वो कह रहा है, आपके पास एक टेक्नीशियन है, उसके पास क्या कह रहा है, उसको कितने कैपेसिटेंस की रिक्वायर है, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर चाहिए। उसको कितने कैपेसिटर चाहिए, 2 कैपेसिटर चाहिए, ठीक है, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाना उसको, 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाना है, 1 किलो वोल्ट के अक्रॉस, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है उसके पास कितने कैपेसिटर अवेलेबल है, लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर अवेलेबल है, किसके लिए, कि वो 2 माइक्रोफेराड के लिए अवेलेबल है, कितने के, 1 माइक्रोफेराड। और ये 1 माइक्रोफेराड जो है ना, ये 400 वोल्ट तक ही आपके पास एक्सेप्ट कर सकते हैं, 400 वोल्ट से ज्यादा होते डैमेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये स्टैंड कर सकता है, मतलब रुक सकता है, अब चार्ज को स्टोर कर सकता है कितने तक, 400 वोल्ट तक, लेकिन इससे ज्यादा होते क्या हो जाएगा अरेंजमेंट। तो कैसे अरेंजमेंट करें, मतलब कैपेसिटर को सीरीज में लगाएं, सीरीज में अगर लगाते हो, देखो किसी बच्चे के दिमाग में आए कि मैडम 1 माइक्रोफेराड प्लस 1 माइक्रोफेराड पैरेलल में लगा दिए दो, ठीक है, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहेगी, इसकी भी 400 वोल्ट और इसकी भी 400 वोल्ट, ठीक है। तो 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस तो बन गई उसकी, लेकिन पोटेंशियल क्या है, सेम, लेकिन उसको कितने पोटेंशियल के अक्रॉस लगाना है, 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल के, मतलब 1000 वोल्ट पोटेंशियल के अक्रॉस लगाना है, लेकिन ये तो 400 वोल्ट ही हुई, ठीक है। लेकिन बाकी कैपेसिटेंस तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉम्बिनेशन मान लिया उसने, मान लेते हैं लेट कि ये क्या बना रहा है कैपेसिटेंस, सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाती है, डिवाइड, सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाती है, डिवाइड। तो ये 100 वोल्ट पोटेंशियल जो है सीरीज में कैपेसिटर लगाऊंगी तो डिवाइड हो जाएगी। सीरीज में मान ले मैंने आपके पास 20 कैपेसिटर लगा दिए, कितने में लगा दिए मुझे नहीं पता कितने आएंगे, ठीक है। तो सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाती है, डिवाइड, और पैरेलल पोटेंशियल क्या होती है, सेम, ठीक है। और पैरेलल में अब आपके पास, पहले सीरीज की बात कर लेते हैं, तो सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाती है, डिवाइड। तो मैं क्या मान लूंगी कि एन कैपेसिटर है, लेट एन कैपेसिटर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिवाइड, क्योंकि मैं अगर सीधा सीधा पैरेलल में लगाती हूँ 2 कैपेसिटर को तो ये 400 वोल्ट ही हुई, लेकिन मुझे कितनी चाहिए, 1000 वोल्ट, और एक कैपेसिटर सिर्फ 400 वोल्ट तक ही अचीव कर सकता है, मुझे तो 1000 वोल्ट चाहिए। अगर मैं इसे 1 माइक्रो इसको लगा दूंगी 100 वोल्ट के अक्रॉस तो डैमेज हो जाएगा, 1000 वोल्ट के अक्रॉस लगाऊंगी तो, लेकिन मुझे इस पोटेंशियल को डिवाइड करना है। पोटेंशियल को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, सीरीज में लगा के। तो मैं क्या करूंगी कि लेट एन कैपेसिटर बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपके पास एक कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी है, एक कैपेसिटर की पोटेंशियल है 400, तो एन कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 400 N, कितनी हो जाएगी, 400 N, तो 400 N कितने के बराबर होगा, 1000 पोटेंशियल, क्योंकि कितने पोटेंशियल के अक्रॉस लगाना हमें, 1000 के, तो N बराबर हो जाएगा 1000/400। ये कितना आया आपके पास, 2.5। कैपेसिटेंस फ्रैक्शन में नहीं होता तो इसलिए इसको 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 3, लेट 2.5 बराबर 3, तो n कितने के बराबर आ गया आपका, अब 3 के बराबर आ गया। तो सीरीज में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, अब आपके 3, सीरीज में अब आपके 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपके पास सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS, ये CCC क्या बना, C/3, और C की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराड। उसके पास कितने कैपेसिटर अवेलेबल है, किसके कैपेसिटर अवेलेबल है, 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो आपके पास CS क्या आया, 3/C, तो CS की वैल्यू हो जाएगी C/3,
ये बन जाएगा 1/3, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है 1। तो ये कैपेसिटर जो तीन कैपेसिटर सीरीज में आया तो 1/3 माइक्रोफेराड आया, लेकिन चाहिए कितना आपको 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस। तो सीरीज में जो तीन कैपेसिटर लगाए तो कितनी कैपेसिटेंस मिली आपको 1/3, लेकिन चाहिए कितनी, चाहिए आपको कितनी 2 माइक्रोफेराड। जो कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब आपके पास तो ये 1/3 माइक्रोफेराड ही कैपेसिटेंस आई ना, जब तीन कैपेसिटर को सीरीज में लगाया तो आपके पास कितनी कैपेसिटेंस आई है 1/3 माइक्रोफेराड। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 2 माइक्रोफेराड चाहिए, क्योंकि उसको 1000 वोल्ट के अक्रॉस कितनी चाहिए 2 माइक्रोफेराड चाहिए। तो अब कैपेसिटेंस बढ़ती कैसे, जब कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं। अरे देखो ना, जैसे आपने दो कैपेसिटर सीरीज में लगाए तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है डिवाइड। अगर ये दो कैपेसिटर तुमने पैरेलल में लगाए तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है 2C। तो कैपेसिटेंस पैरेलल में बढ़ती है, कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में इंक्रीज हो जाती है। इसलिए इन कैपेसिटर को मान लेते हैं कि हमने कि m कैपेसिटर हमने पैरेलल में लगाए ताकि हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, क्योंकि हमारे अभी पास 1/3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर ही हुई है हमारे पास, और हमें चाहिए कितनी 2 माइक्रोफेराड। हमें कितनी चाहिए 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस हमें चाहिए बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, देखो क्या करेंगे, समझ आए मेरी बात। देखो सबसे पहले एक एक कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी वसेंट कर सकता है 400, तो n कैपेसिटर लगाए सीरीज में तो क्या होंगे 400 वोल्ट। अभी 400 n कैपेसिटर, जो n कैपेसिटर कितने के अक्रॉस लगा रहे 1000 वोल्ट के अक्रॉस, तो मेरे पास n सीरीज में कितने आ गए 3 आ गए, ठीक है। अब जो n सीरीज में जो 3 आए उनकी कैपेसिटेंस कितनी है 1/3, लेकिन मुझे चाहिए कितनी 2 माइक्रोफेराड। मुझे कितनी चाहिए 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मुझे पता है कि पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, तो मैं इन एन सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या बनाऊंगी, पैरेलल का कॉम्बिनेशन बना। मैंने मान लिया कि लेट एम कैपेसिटर बी कनेक्टेड इन पैरेलल, एम कैपेसिटर बी कनेक्टेड इन पैरेलल। एम कैपेसिटर को किसमें कनेक्ट कर दूंगी मैं पैरेलल में, तो ये 1/3 किसमें कनेक्ट होगा पैरेलल में, कितने एम, ये 1/3 प्लस 1/3, ये किसमें कनेक्ट हो गए m टाइम्स, किसमें कनेक्ट हो गए पैरेलल में, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूं 1/3 इनटू m, क्या लिख दूंगी मैं 1/3 इनटू m। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी 2 माइक्रोफेराड, कितने के बराबर होगी ये 2 माइक्रोफेराड, क्योंकि इक्विवेलेंट तुम्हें चाहिए कितनी 2 माइक्रोफेराड चाहिए। तो m बराबर कितना बन जाएगा 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी लगाएगा आपके पास पैरेलल में, तो कितनी होगी okay, सीरीज में 3 और पैरेलल में कितनी होगी उसकी 6। देखिए कैसे, ये लिख लिया सभी ने, क्वेश्चन लिख लिया, ऊपर से हटा दो एक बार, मैं उसको उठा रही हूं ऊपर से। तो क्या बनेंगे उसके m into n, देखो m into n कितना बन गया 18 कैपेसिटर लगाएगा वो, कैसे देखो ऐसे करके देख लो। हो गया क्वेश्चन बेटा, हटा दूं।
भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, ये आपके पास एक कैपेसिटर दे रखा है, एक कैपेसिटर आपके पास ये दे रखा है यहाँ पे, यहां से आपके पास एक कैपेसिटर ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये 300 वोल्ट की सप्लाई लगा रखी है उसने, ठीक है। ये आपके 100, ये 200 पिको फेराड, ये 100 पिको फेराड, ये 200 पिको फेराड, ये भी कितना है 200 पिको फेराड, ठीक है। और ये है आपका 100 पिको फेराड, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ऑफ द नेटवर्क, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। एंड डिटरमाइन द चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, और क्या करना है, चार्ज निकालना है और पोटेंशियल निकालना आपको अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए पहले, फिर आगे करते हैं, जल्दी करिए नोट, कर लिया क्वेश्चन नोट सबने, इधर से कर लिया सभी ने, आगे सॉल्व कर दूं मैं इधर। देखिए ये आपको एक नेटवर्क दे, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हो, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख, इसे देखोगे बड़े ध्यान से देखोगे, इसे देखोगे बड़े ध्यान से, ठीक है। एक कर्म फिजिकली नहीं, मेंटली, मेंटली होना चाहिए, ठीक है। मेंटली सब पता लगे कि होटल में खाना खा रहे हैं, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा था वैसे ही नहीं खा सकते, है ना, ठीक है। देखो बेटा फिजिकली नहीं बैठना है, पढ़ते समय मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है, तो आप मेंटली बैठिए पढ़ने, ना कि फिजिकली किसी बर्डन में बैठना, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास ये है, आपके पास नेटवर्क, अब देखो ये तो दिख रहा है सीधा सीधा, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें आपके सीरीज में, ठीक है। इसके सीरीज को सॉल्व कर दो यहीं पे, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 200 प्लस 200, तो कितना हो गया ये 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 400, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ये आ गया 100, कितना आ गया ये आपका 100 पिको फैराड। सर्किट को मॉडिफाई करें आगे, तो ये बना आपके पास 100 पिको फैराड तो है ही, ये भी कितना बन गया आपके पास 100 पिको फैराड, और ये बन गया आपके पास कितना, ये है 100 पिको फैराड, ठीक है। अब देखो ये यहां से बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है, तो ये है 300 वोल्ट, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। अब देखो सर्किट में अब क्या चल रहा है, अब क्या दिख रहा है आपको, कौन सा सर्किट, ये दोनों किसमें आप आपके सीरीज में, देखो ये बैटरी का पॉजिटिव आया तो ये बैटरी का किससे आया, नेगेटिव से, ये बैटरी किससे आएगा, पॉजिटिव से, तो ये बैटरी की किससे आएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। इसके साथ ये इतना आ गया, अब देखो अब ये दोनों किसमें है, अब आपके पैरेलल में, ये तो दोनों दिख रहे हैं किसमें है, आपके पैरेलल में, पैरेलल में है, तो सीपी क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से 100 प्लस 100 कितना बन जाएगा 200 पिको फैराड, बोलो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये पिको फैराड लगा लेना, कभी सोचो मैडम वहां नहीं, अब आपके पास सर्किट को फिर आगे मॉडिफाई करते हैं, तो ये बना भाई आपके पास, ये बना 200 पिको फैराड, ये है आपका 100 पिको फैराड। अब देखो यहां से ये बैटरी लगी है 300 वोल्ट की, तो ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव, तो ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव और ये बैटरी का पॉजिटिव, तो देखो ये देखो, अब यहां समझना था थोड़ा सा, समझना है यहाँ पे, देखो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव, इसमें बैटरी को थोड़ा उल्टा भी कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे कर दूं, ये दो कैपेसिटर बन गए आपके, ठीक है। तो इसका क्या कनेक्टेड है 200 पिको फैराड का, पॉजिटिव, देखो 200 पिको फैराड का क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव, और ये 100 का क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव, तो यहाँ ये पॉजिटिव और ये यहाँ क्या बना, नेगेटिव, तो ये किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, ये
ये कॉम्बिनेशन किस में, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये गौर करना इस क्वेश्चन में, गौर ध्यान देना, एकाग्रता बढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या बना आपका सीरीज, ये कॉम्बिनेशन क्या आपका सीरीज, ये सीरीज है, मैंने इसी को मॉडिफाई करके यहाँ ऐसे बना दिया, ठीक है। बोलो समझ आया, इतना इतना सबको समझ आ गया, आगे करो तो क्वेश्चन को। तो देखिए आगे, यहां से अब हटा दू मैं इस सर्किट को, हटा दू या रहने दो इसको, रहने देती हूँ, तुम्हें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो ये बना आपके पास सीरीज में, इसको सोल्व कर दो, यहीं पे सीपी क्या बन जाएगा, 200 इंटू 100, 200 प्लस 100 कितना आया सीपी आपका, 200 क्रॉस 100 डिवाइड बाय 300, तो क्या आ गया 200/3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो कितनी आ गई बेटा आपकी सीपी, 200/3। तो क्वेश्चन का ए पार्ट सोल्व हो गया, क्या आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट बिटवीन द नेटवर्क, नेटवर्क पॉइंट का नेटवर्क के कैपेसिटेंस कितना आ गया इक्विवेलेंट आपका 200/3, ठीक है। अब क्या पूछा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑन द ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो अब देखो ये जो है, ये जो कैपेसिटर है आपके पास, तो क्यों क्या होता है सीवी, क्यों क्या होता है आपका सीवी, ये सी इक्विवेलेंट आ गया, ये आ गया सी इक्विवेलेंट आपका, ठीक है। क्यों क्या होता है सीवी, तो क्यू सीवी की वैल्यू कितनी है, सी इक्विवेलेंट कितना है 200 डिवाइड बाय 3, पोटेंशियल कितना है 300, तो ये बना 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2×10^4 कूलम, तो 2×10^4 कूलम चार्ज इसके अक्रॉस फोर फ्लो करेगा, 2×10^4 कूलम चार्ज इसके अक्रॉस फ्लो करेगा ना, बोलो करेगा या नहीं, अरे बोलो ये करेगा नहीं, अरे 2× इसके अक्रॉस फ्लो करेगा, क्योंकि ये आपके पास, लेकिन और इसके अक्रॉस अलग फ्लो करेगा, लेकिन इसके अक्रॉस तो उतना ही फ्लो करेगा ना आपके पास, तो पोटेंशियल निकाल लो। तो चार्ज हटा दो एक बार, ये हटा दो, मैं यहां जल्दी से नोट करो एक बार जल्दी से, फिर सॉल्व करते हैं, लिखिए जल्दी से। ये पीको फैराड है बेटा, पीको फैराड, पीको का मतलब 10^-12 से और मल्टीप्लाई करो इसको, 10^-12 से करोगे 2×10^-8 आ जाएगा ये, ठीक है। जल्दी से नोट करो, कर लिया नोट, हो गया। अब मैं सर्किट को एक बार हटा रही हूँ, यहां से हटा दो, मैं यहां से ही थोड़ा 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 मुझे हटाना पड़ेगा, मैं इस सर्किट को हटा रही हूँ यहां से नीचे वाले को अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये बना मेरे पास, देखो ये आया Q4, नाउ चार्ज अक्रॉस, चार्ज ध्यान से समझना, चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, मान ले C4 है, अक्रॉस C4, C4 के अक्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा 2×10^-8, क्योंकि ये तो बैटरी से सीधा कनेक्टेड है, इसमें तो सीधा चार्ज फ्लो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, तो क्यू क्या होता है सीवी, तो वी क्या हो जाएगा B4, इसके अक्रॉस B4, इसके नाम भी दे रखे हैं, ये C4 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है, नाम दे देती हूँ थोड़ी देर के, ठीक है। तो V4 क्या बन जाएगा आपके पास, Q/C4, तो Q4 कितना आपका 2× ये Q4 है अक्रॉस C4, तो ये Q4 है आपका 2×10^-8, C4 कितना है 100×10^-12, ठीक है, सोल्व करो 2×10^-8 +12 -2 कितना है 2×10^-12 -10, तो ये आया 2×10^-2, तो ये आ गया 200 वोल्ट, कितना आ गया आपके पास ये 200 वोल्ट, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, देखो एक बार, ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी आ गया आपके पास ये, तो सोल्व होगी ये कितना आ गया आपका 200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, सोल्व होगी कितना आ जाएगा बेटा आपका 200 वोल्ट, समझ आ गया। तो देखो इसके अक्रॉस चार्ज भी मिल गया और इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी मिल गई, C4 के अक्रॉस चार्ज तो इतना गया, देखो 300 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है डायरेक्ट, तो इसमें से तो चार्ज इतना ही फ्लो करेगा आपके पास सीधा सीधा। अब आपके पास इस सर्किट में आइए, यहां देखो अब इसके अक्रॉस चार्ज कितना फ्लो कर रहा है आपके पास इतना, अब देखो ये जो पोटेंशियल है आपके पास, ये दोनों इसके साथ पैरेलल में है ना,
ये दोनों कैपेसिटर इसके साथ किस में, आपके पैरेलल में है। तो अब इसके अक्रॉस देखो टोटल पोटेंशियल इस सर्किट के अंदर कितनी थी, 300 वोल्ट। ठीक है, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी बचेगी, 200 वोल्ट तो इसमें से फ्लो कर गई, तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी बचेगी आपकी, 100 वोल्ट। नहीं आई बात समझ में, देखो दूसरे तरीके से बताती हूँ भाई। ये टोटल पोटेंशियल कितनी यहाँ पे, 300 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल कितनी आपकी, 300 वोल्ट पोटेंशियल है। अब देखो सर्किट को जो मॉडिफाई करा आपने, तो ये बना था आपका 200, तो ये बना था। देखो अब सर्किट ये बन गया आपका, थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन में। तो ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये कितना था, 200 वोल्ट, और ये है 100 पिको फेराड। ये दो कैपेसिटर है ना, इसको सर्किट को मॉडिफाई करके मैंने यही बनाया था ना कि ये आपके पास बैटरी है 300 वोल्ट की। ठीक है, ये कैपेसिटर था आपका 100 पिको फेराड, जो नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव 200 पिको फेराड। सर्किट समझ आया। अब देखो मान ले इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V4, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V3, तो V4 कितनी आ गई इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपकी, 200 वोल्ट। कितनी कैपेसिटेंस आ गई इसके अक्रॉस, 200 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितनी बची, टोटल 300 वोल्ट है। तो V3 के अक्रॉस, इस 200 के अक्रॉस V3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी बचेगी आपके पास, 300 माइनस 200 कितनी बचेगी, 100 ही तो बचेगी। अरे बोलो 200 वोल्ट के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितनी बचेगी आपकी, 100 वोल्ट बचेगी या नहीं बचेगी। नहीं आया समझ में, ठीक है। अब देखो दूसरा एक तरीका भी हो सकता है जो मैं तुम्हें जनरल समझाया हुआ है, पहले इतना ये नोट करो फिर आगे दूसरे तरीके से बताती हूँ। नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो, हटा दो इस क्वेश्चन को। अब देखो अब मैं फिर से बता दू, तुम्हें ये पता है, नहीं मान लो तुम्हें ये नहीं भी आता तो तुम्हें ये पता था कि ये कैपेसिटेंस इतनी है, ये दोनों सीरीज में है, इतना तो पता है ना। सीरीज में देखो क्या समझाया, बेसिक Q इज इक्वल टू CV, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो V4 निकाल लो जी, पहले तुम लोग पहले मैं V4 निकाल रही हूँ जनरल मेथड से। V4 का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, V3, ये आपके पास V4 ये थी, तो ये कैपेसिटेंस आपकी C4, ये कैपेसिटेंस है C3, तो क्या बनेगा C3 अपॉन में C3 प्लस C4 इनटू टोटल पोटेंशियल, ये मेथड बताया हुआ है। तो V4 C3 कितना आपके पास, 200, और C3 प्लस C4 300 हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल भी कितनी है, 300। तो देखो ये 200 वोल्ट ही आया या नहीं आया, और जो जनरल निकाल रही थी क्यों निकाल के भी उतना ही आया, बोलो आया नहीं आया। अब मैं निकाल लेती हूँ V3, मैं इसी मेथड को फॉलो कर रही हूँ, अगर तुम्हें उसमें डाउट है तो, बाकी मैंने वो समझा दिया है। अब मैं V3 निकाल रही हूँ, V3 कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 300 इंटू 100 300। तो कितना आया ये आपका, 100 वोल्ट आया या नहीं आया। बेसिक से समझ आता है, अब समझ आ गया कि मैं डायरेक्ट कह रही थी भाई ये 300 था, इसके अक्रॉस कितना हो गया 200, तो इसके अक्रॉस 100 ही तो बचा। बोलो बात समझ आ गई इतनी, तो इसके इन दोनों के ये वाला सर्किट सोल्व हो गया। अब देखो आगे, अब मैं बात करती हूँ इस वाले सर्किट में जाओ, ये आपके पास यहां से देखो, इधर हटा दो एक बार इसको मैं यहां से, अब सर्किट में आओ इधर। अब इन दोनों कैपेसिटर में से कितनी पोटेंशियल पास होगी, 100 वोल्ट। देखो इसमें से कितनी गई आपके पास, 200 वोल्ट। अब सर्किट में आओ, अब इन दोनों कैपेसिटर में से पास हो रही है कितनी आपकी, 200 वोल्ट। कितनी कैपेसिटर पास होगी आपकी, 100 वोल्ट। ठीक है, तो देखो ईच में से कितनी होगी, दोनों बराबर ही है ना ये। अरे भाई ये तो ऐसे है, ये 200 पिको फेराड है, ये भी कितना, 200 पिको फेराड। इन दोनों से जो पोटेंशियल पास हो रही है वो 100 वोल्ट पास हो रही है। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालनी है, मान ले V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालनी है V2। अब मैं इस सर्किट के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अब मैं फिर इसी मेथड को लगाती हूँ। तो आपके पास V1, तो आपके पास कितना, वैसे मुझे पता 50-50 हाफ हाफ डिवाइड हो चुकी, कैपेसिटेंस बराबर है,
कैपेसिटेंस बराबर है तो इसके अक्रॉस में कितनी हो जाएगी 50 वोल्ट, इसके अक्रॉस में कितनी हो जाएगी 50 वोल्ट, डिवाइड हो जाएगा आप फिर भी मैं करके बताती हूँ। क्या बचेगा 200 डिवाइड बाय 200 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना बना 200 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इससे कैंसिल डिवाइड बाय 2, तो 50 वोल्ट आया ना V1, बोलो आया या नहीं आया। इसी तरह V2 भी कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। तो इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस C2 और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी आ गई 50 वोल्ट। तो क्या लिखोगे पोटेंशियल अक्रॉस, मैं लिख देती हूँ 200 डिवाइड बाय 200 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया 50 वोल्ट, जिसको मैंने लिखा हुआ C2 C3, इसको मैं लिख देती हूँ V2 V3, ठीक है V2 V3, तो यह आया V2 और V3 भी कितना आ जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है। तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया 200 वोल्ट, V2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया 50 वोल्ट, चार्ज क्या हो जाएगा Q2 के अक्रॉस, Q2 चार्ज क्या हो जाएगा C2 V2, तो C2 कितना है 200 इंटू 50, कितना आ जाएगा आपके पास ये 10 और 3 0 कितना आ जाएगा। इसी तरह Q3 कितना आ जाएगा, चार्ज तो दोनों के अक्रॉस सेम ही रहेगा तो ये भी इतना ही आ जाएगा आपके पास और 3 0, तो Q2 और Q3 के अक्रॉस चार्ज आ जाएगा 10,000 10,000। तो ये पूछा था हरेक के अक्रॉस चार्ज और हरेक के अक्रॉस पोटेंशियल। अब ये देखो ये इसके तो पैरेलल में ही है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आपकी 100 वोल्ट। ये इसके साथ किसमें है C1 के, तो ये किसमें है पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितनी जाएगी आपकी 100 वोल्ट, ठीक है। अरे जब इस सर्किट को मॉडिफाई करोगे तो ये कितना है इन दोनों के अक्रॉस, देखो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी, ये बन गया था आपके पास 100, ठीक है ये भी क्या था 100, ये दोनों किसमें पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी जा रही है 50 वोल्ट, कितनी जा रही है 50 वोल्ट, तो इस दोनों 50-50 वोल्ट जा रही है तो इन दोनों में टोटल पोटेंशियल कितनी जा रही है 100 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितनी रहेगी C1 के अक्रॉस 100 वोल्ट, C1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितनी रह जाएगी आपके पास 100 वोल्ट, समझ आया। तो पोटेंशियल अक्रॉस C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना आया 100 वोल्ट, तो Q1 चार्ज क्या हो जाएगा C1 V1, ठीक है क्या बन जाएगा C1 कितना 100 × 100, ये पीको फैराड में है तो पीको फैराड में कर लेना, ये 10 × 10⁻¹². तो ये बन गया 10⁻¹⁸ कूलम, ठीक है ये भी पीको फैराड में है भैया, तो ये भी 10⁻¹² से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10⁻¹⁸, ये भी कितना आ जाएगा 10⁻¹⁸, अरे ये बराबर ही है ना, ये पीको फैराड में है ना, तो ये 4 0 बन गई ना आपके पास, ठीक है हाँ ठीक है हो जाएगा, तो ये भी इतना ही आ जाएगा। सोल्व कर लोगे, फिर से देखो क्वेश्चन को, हर एक के अक्रॉस क्या पूछा था चार्ज और पोटेंशियल, मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ कंफ्यूज मत होना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर से क्वेश्चन समझा रही हूँ सारा दोबारा से, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो कई बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कहाँ से क्या कर रही हूँ, फिर से बता देती हूँ एक बार क्वेश्चन को। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो सीधी सीधी हो गई थी कि आपके पास ये दोनों सीरीज में है तो ये 100 हो गया, तो सर्किट ये बन गया आपके पास, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 100 ठीक है पिको फेराड, ये भी 100 पिको फेराड, ठीक है ये आपके पास 100 पिको फेराड और ये यहां से बैटरी लगी हुई है 300 वोल्ट की, ये दोनों किस में आ गए आपके पैरेलल में, सीपी हो गया अब आपका 200, ठीक है तो ये बन गया सर्किट अब आपका इस तरीके से। अब ये दोनों किसमें है सीरीज में, ये बना 200 और ये बना आपका 100, तो ये सीपी बन गया 200 प्लस, ये सीरीज में है ये सीएस, 200 × 100 डिवाइड बाय 300, तो ये आ गया था सीपी आपका सीएस इक्विवेलेंट 200/3, कितना आ गया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 200/3। अब उसने पूछा चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो देखो क्यू क्या होता है सीवी, तो आपके पास इक्विवेलेंट चार्ज सी इक्विवेलेंट कितना है 200/3, पोटेंशियल कितना है 300 वोल्ट, ठीक है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये बना आपके पास 100, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁴, ये पीको में है पीको फैराड है,
मैं भूल जाती हूँ, 10^12 और करोगे तो ये बन जाएगा 10^-8। ठीक है, तो Q4 के अक्रॉस चार्ज कितना जाएगा, Q×10^-8, क्योंकि ये तो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस चार्ज इतना ही फ्लो करेगा, तो V4 क्या आ जाएगा, Q क्या होता है, CV, तो V4 आ जाएगा Q4/C4, तो ये आ जाएगा 2×10^-8 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा आपके पास 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2×10^-10 कूलम पोटेंशियल वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल इतनी आ जाएगी आपके पास, ये एक मिनट, ये भाई कुछ गड़बड़, पिको फैराड में है ना, ये पिको फैराड बोल जाती हूँ, 10^-12, तो ये आपके 4 कैंसिल, तो ये बचा आपका 2×2×100×10^-4, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो ये 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी आई 200 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है 200 वोल्ट। अब तुम्हें देखो रिमेनिंग पोटेंशियल, अब आपके पास सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ है, ये आपका सर्किट है, देखो ये आपका सर्किट है, ठीक है, इधर ये आपका C4 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है 200 वोल्ट, और ये है आपके पास 200 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस 200 वोल्ट होगी, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी कितनी होगी 200 वोल्ट ही होगी, इस टोटल के अक्रॉस भी कितनी होगी 200 वोल्ट। ये टोटल कैसे बना हुआ था, इससे, ये टोटल किससे बना हुआ है, इससे बना हुआ है, या फिर सीधा सीधा समझ आता है, इसके अक्रॉस 200, तो इसके अक्रॉस कितनी बची है 300-200, तो इन दोनों के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितनी जाएगी आपके पास, ये इन दोनों के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितनी जाएगी 100 वोल्ट, तो ये 100 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस कितनी बन जाएगी आपके पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 and C3 के अक्रॉस टोटल 300-200 कितनी बचेगी 100 वोल्ट, तो इन दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाएगी, कितनी डिवाइड हो जाएगी 50-50। ठीक है, या फिर मैंने अभी आप लोगों को जो मेथड बताया C1 C2 वाला वो करके निकाल लो। ठीक है, इसके अक्रॉस की पोटेंशियल 50 वोल्ट, इसके अक्रॉस की पोटेंशियल कितनी आ जाएगी 50 वोल्ट, और ये 50 दोनों के अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस की पोटेंशियल कितनी रहेगी 100 वोल्ट, तो पोटेंशियल पता है तो चार्ज निकाल सकते हो, Q=CV, चार्ज आप निकाल सकते हो, तो आपके पास Q2 क्या बन जाएगा C2×V2, C2 कितना है आपके पास, C2 की वैल्यू 200×10^-12 कितना है आपके पास, V2 की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, सोल्व कर लेना, जितना Q2 आएगा उतना ही Q3 आएगा आपके पास, तो ये कितना आ गया था आपके पास 10^1×10^4×10^-12, कितना आ गया 10^-8 कूलम, कितना 10^-8 कूलम, ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी रहेगी, इतनी रहेगी, तो Q1 कितना आ जाएगा C1V1, C1 कितना 100×10^-12 कितना बना 100, तो ये कितना आ जाएगा 10^-8 कूलम। ठीक है, तो सबके अक्रॉस हमें पोटेंशियल भी मिल गई और चार्ज भी आपको मिल गया, समझ आ गया क्वेश्चन, नया आने पर वीडियो को रिपीट करके देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, करिए जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैंने दो बार समझा दिया, फिर भी एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना किसी को ना आए तो। देखिए लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन ये, और देखिए बेटा इस सिस्टम में आपके पास ये नेटवर्क दे रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, चार्ज निकालना है, तीसरे पार्ट में पोटेंशियल निकालनी है, चौथे पार्ट में एनर्जी स्टोर निकालनी है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन को, जो जो निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पोटेंशियल एंड एनर्जी स्टोर, नेटवर्क बना लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ, लिख लिया सबने, अब देखिए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों किस में आपके पैरेलल में, ये दोनों नेटवर्क किस में दिख रहे हैं आपके पैरेलल में, तो सीपी क्या बन जाएगा 4+8 12 माइक्रोफेराड, तो ये बना आपके पास 12 माइक्रोफेराड, और ये है आपके पास 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों किस में सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास 4×12 4+12 4×12 / 16 कितना आ जाएगा ये 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब चार्ज क्यों क्या होता है, सीवी,
तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट कितना है 3 इंटू 12 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 6, तो कितना आ गया 36 माइक्रोफेरड। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे, अब यहाँ पे क्या चार्ज क्यू जाएगा, ये चार्ज क्यू किसके अक्रॉस जाएगा आपके पास C1 कैपेसिटर के अक्रॉस, तो Q1 चार्ज किसके बराबर हो गया 36 माइक्रोफेराड के बराबर। ठीक है, टोटल चार्ज इतना ही है। अब ये जाके चार्ज इधर और इधर डिवाइड हो गया, ये जो Q चार्ज जो गया इधर और इधर वो क्या हो गया डिवाइड हो गया, ये दोनों किसमें पैरेलल में, पैरेलल में बताया था Q क्या होता है सी वी, पोटेंशियल सेम होता था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी से। तो यहां से आप लोग क्या निकालोगे Q1, Q1 का फॉर्मूला C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज। ठीक है, इसी तरह Q2 का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है आप लोगों को, C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज। ठीक है, जब चार्ज निकालना होता है और जब पोटेंशियल निकालना होता है तो होता है C2 अपॉन में C1 प्लस C2, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में कर रही थी, और V2 के लिए निकालोगे तो क्या बन जाएगा C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इनटू Q। ऐसा कब होता है, ये पैरेलल में होता है, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहता है आपका पोटेंशियल, ऐसा होता है सीरीज में चार्ज सेम होता है तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वी के। तो जब ये डेरिवेशन समझाया तब भी बताया था, तो बेटा ये इनवर्सली है ना, तो ये याद रखो, यहाँ वी 1 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 1 आएगा, बाकी यहाँ क्या रहना है टोटल पोटेंशियल, यहाँ क्या रहना है टोटल पोटेंशियल, नीचे क्या रहना C1 प्लस C2 जब सीरीज की बात करते हैं, जब पैरेलल की बात करते हैं तो क्या रहता है पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम तो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, तब हम सीधा सीधा लिखते हैं कि Q1 यहाँ 1 आया तो यहाँ भी 1, बाकी तो टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज करा था, अभी मैं ये यूज करूंगी। ठीक है, किसी को नाम समझ आया तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले बता रखे हैं, तो सीधा सीधा सोल्व कर लो, यहाँ से Q1 क्या बन जाएगा C1, Q1 के अक्रॉस निकाल रहे हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे Q1 की जगह Q2 लिख दो, ये Q2 है या Q3 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना, मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रही हूँ, एक बार मैं अभी यहाँ पे ये लिख रही हूँ। अब देखो, अब तुम्हें इसके अक्रॉस निकालना Q2 के अक्रॉस, क्या लिखोगे C2 अपॉन में C2 प्लस C3 इंटू टोटल चार्ज Q, तो C2 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई C3 कितना बनेगा 4 प्लस 8, टोटल चार्ज कितना है 36 अभी निकाला है माइक्रोफेराड। ठीक है, तो Q2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये भी माइक्रोफेराड में होता है, ये भी माइक्रोफेराड में है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 36 इंटू माइक्रो मतलब 10^-6, तो 12 इंटू 10^-6 तो 12 माइक्रोफेराड कितना आ जाएगा, Q2 के अक्रॉस चार्ज कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफेराड। इसी तरह Q3 के अक्रॉस निकाल लो, क्या बन जाएगा C3 अपॉन में C2 प्लस C3 इंटू टोटल चार्ज Q, तो Q3 क्या बन जाएगा, C3 की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 36 इंटू 10^-6, तो ये बना 24 इंटू 10^-6, तो 24 माइक्रोफेराड क्या आ जाएगा, ये 24 माइक्रोफेराड कितना आ जाएगा, ये 24 माइक्रोफेराड। तो देखो, इस तीसरे के अक्रॉस चार्ज आ गया, Q2 भी मिल गया तुम्हें, Q3 भी मिल गया तुम्हें, Q1 भी मिल गया, पोटेंशियल निकालना इजी है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है CV, तो V2 कितना हो जाएगा Q2 बाई C2, तो V2 की वैल्यू, Q2 कितना है आपका 12 इंटू 10^-6, C2 कितना है आपके पास 4 इंटू 10^-6, तो कितना आ जाएगा ये 3, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 24 और वो कितना 8, तो ये भी कितनी आ जाएगी 3 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस क्या रहेगी सेम। ठीक है, Q1 और निकाल लो, V1 पोटेंशियल तो आपके पास 12 वोल्ट ही रहेगी, इसके अक्रॉस निकाल के देख लो बाकी आप लोग, तो V1 क्या आ जाएगी Q1 अपॉन C1, Q1 कितना है 36 डिवाइडेड बाई 12, 36 डिवाइडेड बाई 4, अरे C1 कितना है 4 है ना, हाँ 4, तो ये बनेगा 9 माइक्रोफेरड, 9
कितनी बन जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 4, 4×9 36, हाँ 9 वोल्ट। कितनी पोटेंशियल हो जाएगी इसके अक्रॉस ये आपकी, 9 वोल्ट। कितनी हो जाएगी इसके अक्रॉस आपकी, 9 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल गया, देखो ये क्या निकल गया यहां से आपका, ये रहा Q1, ये रहा आपका V1, ठीक है, ये रहा आपका Q2, ये रहा Q2, ये Q2 रहा, ये Q3 रहा, ये आपका V2 रहा, ये आपका V2 और V3 रहा। ठीक है, तो सबकी वैल्यू मिल गई, V2, V3, Q1 और Q2, Q3 की सब वैल्यू मिल गई। अब एनर्जी स्टोर निकालना, निकाल दो फटाफट, ये लिख लिया सभी ने, निकाल दिया, लिख लिया सबने, हटा दो ये। अब देखो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला, U1 निकाल दो तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, तो C1 कितना आपका 4, ठीक है, 4×10⁻¹। V1 कितना आया हुआ है, 9, तो 9 का स्क्वायर 81, तो ये बना 2×1 = 2 2 8 162 × 10⁻¹, ठीक है, या 162 माइक्रो जूल। इसी तरह U2 निकालो तो 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, तो 1/2 C2 की वैल्यू कितनी है, 4×10⁻¹ इंटू V2 की वैल्यू कितनी आई है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो कितना बन जाएगा ये 4, तो ये बन जाएगा आपका 18 माइक्रो जूल। ठीक है, इसी तरह V3 भी क्या बन जाएगा, 1/2 C3, ये कितना 8×9×10⁻¹, तो ये 4, तो कितना आ जाएगा 36 माइक्रो जूल। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, हटा दो एक बार ये, लिख लिया ना सबने। अब टोटल एनर्जी स्टोर देखिए, टोटल एनर्जी स्टोर, टोटल क्या बन जाएगी, U1 + U2 + U3 कितनी बन जाएगी आपके पास, 162 + 18 + 36, 162 18 36 कितना हो गया, 6, ये से 1 और 3 10, 10 और 1 11, 216 जूल। ठीक है, टोटल निकाल के देखो कि आंसर सही है आपका, तो टोटल यू क्या बनेगा, 1/2 C इक्विवेलेंट × V, तो सी इक्विवेलेंट कितना आया था भाई आपका, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी यहां से आपकी, 36 कितनी आई थी, 3 माइक्रोफेराड, तो 3×12 का स्क्वायर, तो 1/2 × 3, 12 का स्क्वायर 144, तो ये बना 3×2 = 6 × 3 = 21। देखो सेम ही है ना आंसर, आंसर सेम ही आया ना, माइक्रो जूल, ये माइक्रो जूल में है आंसर, ये माइक्रो फेराड होते तो 10⁻¹ आएगा मल्टीप्लाई में, ये भी माइक्रो जूल में ही आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल गया, एनर्जी स्टोर, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, मेन कंफ्यूजन जब भी आए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जहां पॉइंट्स में आपको डाउट रहता है ये लिख लिया सीधा सीधा, आप लोगों को जहां डाउट रहता हो फिर बता देती हूँ एक बार मैं, कि आप लोग जब भी तुम्हें क्या निकालना, जो दो कैपेसिटर दे रखे हो, जब चार्ज निकालना हो और वो बात करता है पैरेलल की, तो क्या बनेगा, C1 + C2 × V × टोटल चार्ज Q, और जब Q2 निकालना हो तो C2 / C1 + C2 × Q, ये लगा ले अगर, बस बाकी चक्कर में ही मत पड़ो। जब तुम्हें टोटल चार्ज दे रखा हो और कैपेसिटेंस बताओ सीरीज के केस, पैरेलल के केस में, ये किसके केस में होता है, पैरेलल में। ठीक है, सीरीज के केस में हम क्या निकालते हैं, सीरीज में पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है तो क्या निकालते हैं, चार्ज। सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो क्या निकालते हैं, पोटेंशियल, तो वो बनेगा C2 / C1 + C2 × टोटल पोटेंशियल, और V2 की वैल्यू क्या निकालोगे, C1 / C1 + C2 × पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिखे तो ये फॉर्मूले यूज कर लिया करो, तुम्हें कुछ भी ना समझ आए, कि जब तुम्हें टोटल पोटेंशियल पता हो और कैपेसिटेंस पता हो तो ये लगा लिया करो, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा कभी किसी क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, ये करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपके IIT और NEET के न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूंगी।